माशाल्लाह एक बच्चा आया हुआ है। देखें ये अंडे पड़े हुए हैं। एक चिड़िया जो है ना मर गई। देखे एक अंडा पड़ा हुआ यार। ये ले तू खा ले यार। उन बेचारों को तो अलग ही कर दिया हुआ। वो देखे दोस्तों यार, इनको खाना शाना डाल रहा था, ग्रीनरी वगैरह डाली है। और ये देखें यार, इनको भी बताना शाना डाल दिया है। और मेरी नजर पड़ी है, वो देखें एक अंडा पड़ा हुआ यार। इधर सिल्की आगे से इधर दोस्तों, वो देखें एक अंडा पड़ा हुआ है। और ये उठाते हैं और इसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। यार बड़े दिनों के बाद इन्होंने एक अंडा दिया है। अब ये दोनों मुर्गी अंडे देना शुरू हो गई हैं। अभी तो एक पहले देती थी, फिर दूसरी ने देना शुरू कर दिया है। अभी वो अंडा उठाएं यार, चल के अंदर। ओए ठहर दो यार, एक मिनट यार, मारना ना यार। आपका अंडा उठा लें यार। ये दोस्तों है, छोटे छोटे अंडे होते हैं इनके यार। ये देखें दोस्तों, सिल्की के अंडे का साइज चेक करें यार। ये चेक करें, है छोटा सा ये यार। बच्चा निकलेगा इसमें से इंशाल्लाह, फर्टाइल अंडे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी अभी सुबह सुबह छत पे हूँ और आज मौसम चेक करें यार, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। धूप निकली हुई है, आज फोक शोक नहीं है। तो चले सबसे पहले इनको दाना शाना डालते हैं परिंदों को। जो हमारे मोर है ना, ये भी जो है ना बड़ी जो ना स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं। यहाँ देखे मैंने वो सूरजमुखी डाली है, तो वो चुन चुन के ये खा रहे हैं सारी। ये हमारी फीमेल है। और डक जो है ना, पट्ठों की बड़ी शौकीन है। और इनके लिए यार मैं ले गया हूँ पट्ठे चट्टे। अरे तुम पट्ठे ही खाया करो, हैं। ये ले तू खा ले यार, तू खा ले ज़रा जल्दी जल्दी मोटो, खा ले इतनी बड़ी हो गई है। और ये देखे टहल टहल के आ रहा है, इसको भी पट्ठों का बड़ा शौक है और दाने का। तो यार मोर भाग गया, तो इसको मैं ज़रा पट्ठे डालूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। अभी यार मैं छोटी फिंचिस के केज में आऊँ और एक चीज़ मैंने देखी है। पहले मैं दाना डालूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यार ये लो दाना, इनको दाना डाल लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यार तू क्या कर रही है इधर? यार ये देखें यार, एक चिड़िया जो है ना मर गई है यार। ओए ये देखे चिड़िया का बच्चा ना, वो बताया था ना आपको पिछले दिनों, चिड़िया के बच्चे एक वो बैठा हुआ नीचे। तो मेरे ख्याल में ना ये कुछ बीमार हो गया होगा, जिसकी वजह से ये मर गया यार। चले अल्लाह खैर करे। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे शच्चे निकले हुए हैं। हाँ तू क्या कर रही है इधर? और यार ये ध्यान भी करना पड़ता है, मगर ना यहाँ पे देखो कुछ हो, वहाँ पे भी हैं बच्चे शच्चे, अंडे छंडे यहाँ पे भी देखे। वो देखे अंदर अंडे पड़े हुए ना कितने ज़्यादा। और ये देखिए एक ये डब इधर बैठी हुई है यार। दोस्तों इसके भी अंदर बच्चे हैं यार काफ़ी ज़्यादा। वो देखे छुपे हुए हैं ये बच्चे, फिर नीचे गिरते हैं। वो देखे मस्तियाँ कर रहे हैं। वो देखे वो ये देखे ब्रीडिंग सीजन में ये ऐसे करते हैं। गुँ, गुँ, ये देखे ओए 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 ओए, देखो मस्तियाँ इसकी है। कैसे मस्तियाँ कर रहा है यार, माशाल्लाह। चलो आप लोग दाना खाओ, मैं इसको बाहर रखूँ। यार दोस्तों यहाँ पे जो असील थे ना, मैंने आपको दिखाए थे, अब बड़े होते जा रहे हैं। और असील की एक जो खूबी मुझे पसंद नहीं ना आती, ये जैसे ही बड़े होते हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इन में से कुछ चूज़े ना हम लोगों ने अलहदा कर दिए हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। चलो ये लो आप खाओ, वो नीचे पड़ा हुआ सब कुछ। इधर आ जाओ आप, इधर ये लो। इनके लिए जैसे जैसे बढ़ते हो जाएंगे ना, इनके लिए केज अलहदा करने पड़ेंगे सारे। तो ये जो चूज़े हैं ना यार, जैसे थोड़ा सा कद निकालते हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा यानी कि इससे थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इनमें दो चूज़े ऐसे थे यार जिनको अलहदा कर दिया, आपस में लड़ते थे। अभी से ही जो है ना लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, तो फिर हम लोगों ने उनको अलहदा कर दिया। इनको मैंने खाना डाल दिया, अब दूसरे छोटे चूज़ों को खाना डालें, क्योंकि यार ये अब खाएंगे दिन को फिर खुलेंगे ये। अभी यहाँ पे भी देखिए उनकी आवाज़ आ रही है चूँ चूँ के, भूख लगी हुई है भाई, खाना लाओ जल्दी से, इनको भी खोलें ज़रा। ये देखे सारे, ये देखे ब्रो, ये लो, ये आप लोगों का खाना आ गया है। पहले ये ग्रीनरी खा लो, फिर मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ
और इसमें आप लोगों को खाना डालो, बस करो सबर कर लो, सबर कर लो। ये लो भाई, भाई साहब ये इनको खाना डाल दिया है, अब ये खाना शाना खाएंगे। तू किधर आ गए बिड़ू, इतना बड़ा जंप मार के। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह, ये भी भूखे हुए थे काफी ज्यादा, तो इनको भी खाना शाना डाल दिया। चलो खा लो, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं और भी चीजें आपको देता हूँ। ये देखो पानी का क्या हाल कर दिया यार, इसमें बुरा ही बुरा डाल दिया इन्होंने। ये देखो वो भी भरा हुआ बुरे से यार। ये देखो आ जाओ सिल्की मिल्की, और बड़ी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ यार। ये बच्चा देखें, ये कितना बड़ा हो गया सिल्की का भाई, माशाल्लाह 5 फिंगर्स हैं इसकी। देखें ये देखें, और इसका कलर चेक करें, प्योर ब्रीड के बच्चे हैं ये। चलो चलो आप लोग खाओ। ये देखें ये ज्यादा फुल हुआ हुआ यार, ये चेक करेंगे वाला माशाल्लाह। चलिए दोस्तों अब दूसरे बर्ड्स को खाना चाहने खिलाए, इनको हम थोड़ा सा खाने देते हैं खुद ही। यार दोस्तों ये रहे जी शामू के बच्चे, इनको थोड़ा अलहदा कर दिया उनसे। ये ना उनको मारते थे छोटे बच्चों को, तो हम लोगों ने ना इनको अलहदा कर दिया। ये चेक करें यार इसका साइज और इसकी हाइट चेक करें। ये देखें यार, इधर आके दिखा जरा इधर। ये देखें दोस्तों ये इनको हम लोगों ने अलहदा कर दिया यार इस पिंजरे में, और क्योंकि ये छोटे बच्चों को मारते हैं तो इसलिए हम लोगों ने इनको अलहदा कर दिया। वो छोटे रह गए इनकी, यही मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो है ना ये करते गए, थोड़े से बड़े होते हैं तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी इनकी पोर्ट चेक करें, माशाल्लाह फुल हुई हुई है, और यहाँ पे भी देखें इसकी भी। ये देखें, और बस कर दो बस कर दो, क्यों पोर्ट फाड़नी है अपनी। ये भाई लोग इनको हम लोगों ने अलहदा कर दिया यार, ये ना उनको तंग करते हैं तो इसलिए इनको अलहदा करना पड़ता है। यार दोस्तों अब मैं अपनी टकी गेंग से बड़ा तंग हूँ यार, इन्होंने ना गंदी मचाया होता है। और ना ये है हुरैन की डक्स हैं, हुरैन ना देने भी नहीं देती। मैं तो कह रहा था किसी को दे देते, सिस्टर को दे देते या किसी और को दे देते, मगर वो देने भी नहीं दे रही। और डकी गेंग जो है ना, ये देखे तो भाई ये मचा रहा है। यहाँ पे इतना गंद था यार, भाई ने साफ किया। और पानी सुबह मैं बदल के गया हूँ, और इनकी हालत देखें, थोड़ी देर आती है खाती पीती हैं फिर पानी पीती, थोड़ी देर आती है खाती पीती हैं फिर पानी डालती हैं। उन बेचारों को तो अलहदा ही कर दिया हुआ, वो देखें मोर बेचारे उधर खड़े रहते हैं, और जो चकोर है वो भी उधर रहता है, और ये जो है ना इन्होंने अन्नी डाली होती है। इधर आ डकी भाई, डकी गेंग इधर आ जाओ, तो हड्डी ऐसी की तैसी है। बाकी यार मैं अभी देखता हूँ अंडे शंडे इधर आए हुए थे, कोई बच्चे शच्चे भी निकले हैं कि नहीं। कोई देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइट ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा। अब चेक करें यार माशाल्लाह, एक बच्चा आया हुआ है और साथ एक अंडा पड़ा है, मगर वो लगता खराब है। बाकी भी और पिंजरों में देखो जरा, शायद कहीं पे बच्चे छच्चे निकले हों। बैठे तो बड़े पिंजरों में हैं, मगर यहाँ पे देखें ये अंडे पड़े हुए हैं। और कहाँ पे हैं, यहाँ से भी नजर आ रहा, मगर यहाँ से नजर आएंगे थोड़े से। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, काफी ज्यादा है इसमें बच्चे हैं, और भी निकले होंगे। बाकी यार मैं इनको तंग नहीं ज्यादा करता यार, ये माशाल्लाह बड़े दिनों बाद इन्होंने खुशखबरी सुनाई हुई है, इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकले हुए हैं, तो ये हम लोग अब वेट करेंगे इनके बच्चे को बड़े होने का। वो देखे सारे वो जाके चिपक गए, और डकी गेंग ने हर तरफ अन्नी डाली हुई है इनको। यार मैं अब कुछ ना कुछ अलहदा करूँगा, और चकोर के लिए ना यार मुझे एक फ़ीमेल की ज़रूरत है। कोई भाई के पास फ़ीमेल है तो बता दें यार, ये लेनी है इसके लिए। ये बेचारा अकेले ही दौड़ता रहता है, इसके लिए फ़ीमेल की ज़रूरत है हमें। दोस्तों किसी भाई को अगर पता है तो बता दें यार, ये जो हमारा भालू है ना, इसकी आंख में ना एक में सफ़ेदी आ गई है। इसकी आइज ख़राब थी तो उसकी वजह से इसमें सफ़ेदी आ गई थी, तो इसको इस आंख से कम नज़र आता है, इस आंख से सही नज़र आता है इस वाली से। तो उसके लिए अगर कोई ट्यूब कोई है चीज़ तो वो बता दें, ताकि यार हमारा भालू जो है ना खुश हो जाए, इसकी आँख ठीक हो जाए और ये फिर कोई पेयर बन जाए। बाकी यार कालो और दूसरी का पेयर बन चुका हुआ है, कालो और ब्राउन का, कालू और वो ब्राउन का पेयर बन गया हुआ है हमारा। अंडे शंडे इनके अभी तक आए कोई नहीं। हाँ अब इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे यार। अच्छा दोस्तों अगर किसी भाई को पता है उसकी आंख का क्या यूज़ किया जाए, आंख ख़राब है, आंख के लिए कोई ट्यूब कोई चीज़ ड्रॉप्स वगैरह, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि यार उसकी आंख ठीक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।